हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में राजस्थान बोर्ड के 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट को उनके एग्जाम कब होने वाले हैं, उनका टाइम टेबल कब तक घोषित होगा, साथ ही उनके एग्जाम सबसे पहला एग्जाम किसका होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना अगर आप 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, यानी कि राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम जुड़ी जानकारी आ चुकी है, यानी कि राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। तो उसको देख कर आपके बोर्ड के एग्जाम कब होने वाले हैं इसको आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली जानकारी बता दूँ, राजस्थान बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो राजस्थान पत्रिका के माध्यम से आया है, दैनिक भास्कर के माध्यम से आया है, साथ ही बहुत सारे न्यूज चैनल के अंदर भी आ चुका है। मैं पहले भी बता दूं, राजस्थान बोर्ड जुड़ा है, फिर कोई भी बोर्ड का जो भी न्यूज आएगी सबसे पहली नोटिफिकेशन अखबारों के माध्यम से भी आ जाएगी, सीधी ट्वीट के माध्यम से भी आ जाएगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें आपको पूरी जानकारी प्रूफ के साथ बता रहे हैं, वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, यानी कि उनके एग्जाम कब होने वाले। तो आपको बता दूं, पहले मैं पढ़कर उसके बाद आपको जानकारी बता दूं, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यानी कि राजस्थान बोर्ड का 10th और 12th बोर्ड को लेकर है, यानी जिन विषयों में कम से कम विद्यार्थी होंगे उनमें पहले होगी उनकी परीक्षा, यानी कि जिस विषय के अंदर सबसे कम विद्यार्थी होंगे, यानी कि 10,000 से नीचे भी ऐसे विषय हैं जिनके अंदर कम विद्यार्थी है, तो उनकी परीक्षाएं पहले की जाएंगी। और जिनके जिन जो भी स्टूडेंट ज़्यादा है, जिस विषय के अंदर स्टूडेंट के परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है, उनके एग्जाम बाद में होंगी। अब एग्जाम कब होंगे, उसकी डेट क्या है, उसकी भी पहली जानकारी आपको बता दूँ, आपको पढ़ के पूरी जानकारी बता दूँ, उसके बाद आपको कैसे पता चल जाएगा आपका एग्जाम कब तक है। सीकर राजस्थान, यानी सीकर आप देख सकते हो। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, इसका नया टाइम टेबल जारी करने के लिए साथ ही बोर्ड वह परीक्षाएं पहले कराएगा जिनकी परीक्षा से कम है हालत, यानी कि हाल ही सामान्य होने पर अन्य विषयों की परीक्षा होगी। यानी सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए कई जिलों में नए सेंटर भी बनाए गए, यानी कि सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए नए एग्जाम सेंटर भी बनाए गए हैं। इसके कारण आपको जानकारी बता रहा हूँ, शिक्षक की जो हमारे एग्जाम जुड़ी भी नीचे आ गई है, उसके बाद आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। शिक्षकों को घर घर पहुँचाएगी कॉपियाँ, यानी कि शिक्षक जो है, यानी आप सभी को ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि बोर्ड की एग्जाम की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, तो अभी तक कोई भी जो कॉपियाँ हैं वो चेक नहीं हो रही हैं। अभी सभी जिलों के अंदर 5 से 4 गाड़ियाँ लगाई गई हैं और सभी जो शिक्षक हैं, जो कॉपी एग्जामिनर है, वो कॉपियाँ चेक करते हैं। उनके 30 रोज के 30 शिक्षकों के घर उनके एग्जामिनर को कॉपियां चेक कराने के लिए दे दी जा रही है, वैसे घर घर पहुंचकर ये दी जा रही है। आप देख सकते हो, शिक्षकों के घर पहुंचाई जाएगी कॉपियां, कार्यालय में अटकी परीक्षा की कॉपियां अब जांचने के लिए शिक्षकों के घर पहुंचाई जाएगी। हर जिले में 4 से 5 वाहनों में रोजाना न्यूनतम 30 शिक्षकों को घर कॉपियां पहुंचाई गई, यानी कि सभी शिक्षकों को घर पर कॉपियां पहुंचाए जाने का आदेश जारी कर दिया था, मैं पहले भी बता चुका हूं। साथ ही आपको जानकारी बता दूँ, 10वीं और 12वीं की पूरी जानकारी, 10वीं के अंदर गणित, सामाजिक और विज्ञान और परीक्षण की परीक्षा अब अंतिम के अंदर होगी, यानी कि गणित की और सामाजिक विज्ञान की जितनी भी परीक्षा है, यानी कि 10th और 12th की, यानी कि आप कह सकते हो 10वीं की जितनी भी परीक्षा है सामाजिक विज्ञान की और गणित की, जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा मई के बाद ही होंगी, यानी कि मई के बाद, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बाद उनके जो विद्यार्थी है उनकी संख्या तकरीबन 11 लाख, यानी 11 लाख है उससे, यानी कि उसकी संख्या ज़्यादा है, 11 लाख से अधिक संख्या है, जिनके कारण उनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, यानी कि अभी मई के अंदर होना संभावना नहीं है। पर आप जितने भी कम विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या कम है, तो उनके एग्जाम जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, यानी कि जो भी एग्जाम होने की संभावना है वो 3 मई के बाद, जिनके में कम विद्यार्थी है, जिस विषय के अंदर कम विद्यार्थी है उनकी परीक्षा होने की संभावना है, तो उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें बताओ, 10वीं में सबसे ज़्यादा गणित व सामाजिक विज्ञान के विषय के परीक्षार्थी हैं, उन विषयों में 11 लाख से अधिक विद्यार्थी है। कक्षा 10वीं के अन्य 11 विषयों की परीक्षा वह 5 से 10 हज़ार परीक्षक ही नामांकित है, यानी कि कक्षा 10 के जितने तकरीबन 11 विषय ऐसी है जिसमें 10,000 से कम विद्यार्थी है, उन परीक्षाओं को इस महीने के अंदर मई महीने के अंदर कराया जाएगा, यानी कि 3 मई के बाद, यानी कि 30 मई के पहले करा दिया जाएगा। यह घोषणा हुई है कि 1 से 2 एग्ज़ाम जो है, बचे हुए एग्ज़ाम है जो इनमें कम विद्यार्थी है उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, पर ये 3 मई के बाद, यानी कि 3 मई के बाद उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, यानी कि 3 मई के बाद स्टार्ट होंगे, 30 मई तक एक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। आपको जानकारी बता दूँ मैं कि 12वीं भूगोल, हिंदी, चित्रकला में अधिक विद्यार्थी, यानी कि 12वीं भूगोल और चित्रकला में अधिक विद्यार्थी होने के कारण मई के अंदर उनके भी एग्जाम होने की संभावना बेहद कम है। 12वीं में भूगोल, हिंदी, चित्रकला में स्वाधी परीक्षार्थी हैं, भूगोल में 4 लाख, हिंदी में साहित्य में 3,80,000 व चित्रकला में 1.40 हज़ार परीक्षार्थी, यानी कि 1,40,000 विद्यार्थी है। अन्य ज़्यादातर विषय में परीक्षा 10,000 से कम है, तो उनके एग्जाम पहले कराए जाएंगे, यानी कि जिस विषय में 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी है उनकी परीक्षा जो है वो बाद में कराई जाएगी, जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और COVID-19 का खतरा कम हो जाएगा। और आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम के लिए जानकारी कहाँ से आई है, तो आपको जानकारी बता दूँ, ये ट्विटर के माध्यम से आई है। आप देख सकते हो,
गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री ने जारी किया था। जिन विषयों में कम विद्यार्थी हैं, यहाँ देख सकते हो आप, जिन विषयों में कम विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा पहले कराई जाएगी, साथ ही स्थगित परीक्षा 3 महीने के बाद शुरू कराने की योजना है। अब आपको बता दूँ, कन्फर्म नहीं है कि 3 मई के बाद ही एग्जाम होंगे, जब लॉकडाउन समाप्त होगा, कन्फर्म समाप्त होने की घोषणा हो जाएगी तभी आपके एग्जाम कराए जाएंगे। मैं पहले भी यही कह रहा हूँ, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही, अगर लॉकडाउन कल समाप्त हो जाता है तो आपके कल के बाद भी एग्जाम की तैयारी चालू हो सकती है। अब 3 मई के बाद आपका टाइम टेबल घोषित होगा, एग्जाम से तकरीबन 10 दिन पहले, जिनके भी एग्जाम है उससे 10 दिन पहले आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल घोषित होगा, नया एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका लगभग 10-20 दिन बाद आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको कौन कौन से एग्जाम है उसकी जानकारी मिल जाएगी। और एक बात बता दूँ, उसमें क्या सभी एग्जाम की जानकारी होगी? तो नहीं, एग्जाम सभी की जानकारी नहीं होगी, जो एग्जाम होंगे उनके अलग अलग टाइम टेबल घोषित किए जाएंगे, ये भी बात सामने आ रही है, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी होगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिसकी ये टोटली PDF आपको मिलेगी और उसमें आप पढ़कर आप कैसे एग्जाम होने वाला है, किस तरह से एग्जाम होगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा नहीं पहनना पड़ेगा, किस तरह से एग्जाम में किस तरह से आपको विद्यार्थियों को कितने दूर बैठना पड़ेगा, इसकी सब जानकारी हमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, जिससे आपको सटीक और सही जानकारी, साथ ही एग्जाम के अंदर आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, ये सभी जानकारी आपको उस माध्यम से मिल जाएंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई और नोटिफिकेशन आएगी तो आप तक पहुँच जाएगी। साथ ही आज कुछ प्रॉब्लम है, मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी और मैं थोड़ा अटक भी गया होगा, तो मुझे माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय भारत।